कानपुर के सचेंडी थाना क्षेत्र में आज सुबह तेज रफ्तार नगर बस व बाइक की जबरदस्त टक्कर के बाद बाइक में आग लग गई और देखते ही देखते बस भी आग की चपेट में आकर खाक हो गई। हादसे में बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौत हो गई और वहीं मृतका का बेटा व उसका दोस्त घायल हो गए। आग का गोला बनी बस में बैठी सवारियों में अफरा तफरी मच गई और उन्होंने भाग कर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार सचेंडी थाना क्षेत्र की चकरपुर मंडी के सामने हाईवे पर बने ओवरब्रिज पर आज सुबह औरैया से कानपुर जा रही सवारियों से भरी नगर बस के चालक ने तेज रफ्तार होने के चलते कानपुर देहात निवासी बाइक सवार चांद मोहम्मद व उनकी माँ बसिन व दोस्त जितेन की बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। बस की टक्कर लगते ही बाइक बस के अगले हिस्से में जा फंसी और मौके पर ही बसीरन की मौत हो गई। वहीं चांद व जितेन को भी हादसे में गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराते हुए मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद देखते देखते बाइक में आग लग गई और जब तक लोग बाइक की आग पर काबू पाते तब तक आग बस तक जा पहुंची थी। बस में आग को पकड़ता देख बस में बैठी सवारियों ने किसी तरह भाग कर अपनी जान बचाई। उधर सूचना पर पहुंची सर्किल फोर्स व दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस बीच हाईवे पर आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कानपुर से शिवम तिवारी की जनमत न्यूज के लिए खास रिपोर्ट।